हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए बॉस का डिश वॉशर लेके आया हूँ। ये मैंने खुद परचेज किया है 3-4 दिन पहले। तो ये अभी लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है, तो इसकी काफ़ी तारीफ कर रही थी एलजी। तो इसका जो हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो ये 51 समथिंग है, 51,500 है। और इसमें क्रेडिट कार्ड से 3,000 रुपये लेस करके तो मेरे को ये 48,500 का मैंने परचेज किया है। अभी 2-3 दिन से इसका डेमो ही चल रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। इसमें जितने फंक्शन दे रखे हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। अब इसमें हम आउटर की बात करें तो इसमें ये बिल्कुल, ये देखिए, अलग अलग, मतलब ये सारा सेक है, ये हिल रहा है क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम है, पेंच नहीं है दोनों साइड। और जिसकी ट्रैवल की जॉब होती है उसके लिए तो ये चीज़ें सही नहीं है। मैं कल इसको थोड़ा सा ऊपर हाइट पे रख रहा था तो ये बाहर निकल गया था। ऐसे इसमें डेंट भी आ सकता है, चोट भी लग सकती है, गिर सकता है, ये सही नहीं है एलजी का। दूसरा दोस्तों, इसमें कंपनी ने मेरे को कुछ टिकियाँ दी थी यूज़ करने के लिए। ये फिनिश कंपनी की है जो सबसे बढ़िया मानी जाती है। ये देखिए कुछ इस टाइप की होती है। इसमें हार्डनेस कम करने के लिए सोल्ट होता है अलग तरीके का, डिटर्जेंट है। और ये लाल जो है ये साइनर है। ये दोस्तों मैंने 3-4 साइकिल इसके करे हैं, तो इसमें जैसे ये नीचे लिखा हुआ है ट्रू स्टीम स्पार्कलिंग क्लीन डिसीज लेस वाटर स्पोर्ट्स, लेकिन ऐसा इसमें स्पोर्ट्स ऐसा इसमें कुछ देखने को मेरे को नहीं मिला। इसमें ये देखिए, जब भी हम बर्तन वॉश करते ये हाल देखिए आप, ये आप प्लेट देखिए, इसमें कितना सारा स्पोर्ट है, वाइट 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 बिल्कुल। इसमें हम खाना कैसे खा सकते हैं। और ये तो दोस्तों सवेरे बंद हुआ था, ये इसमें बर्तन रखे हुए थोड़ा खुला हुआ था, नहीं तो इसमें अभी कहते हैं कि ड्राई करके निकालता है, स्टीम है और क्लीन हो जाता है। आप इसकी बड़ी बड़ी बातें आप YouTube वगैरह पे देखोगे, इसके डेमो भी लोग देते हैं, लेकिन मैं तो मतलब ये देखिए अब भी इसमें पानी चल रहा है। मैं पर्सनली इसको फेस कर रहा हूँ 4 दिन से। तो इसमें जितने भी बर्तन हैं सब वाइट हुए पड़े हैं। और ये दोस्तों एक बार नहीं, मैंने 3 बार इनको क्लीन कर लिया, ये ऐसे ही हैं। इसमें मैंने ये 27 शाम को मैंने परचेज किया था मई को, और 29 को मैंने टोल फ्री पे कंप्लेंट करी थी शाम को, और 28 को ये इंस्टॉल हुआ था। 29 को मैंने कंप्लेंट करी थी, 30 को मेरे घर पे इंजीनियर आया था, वो कह रहा जी आपके यहाँ पानी हार्ड हो सकता है, कह रहे आप अलग से फिनिश का सॉल्ट फिनिश और आप फिनिश का साइनर डिटर्जेंट और ये सब आप लो। अमेजोन से ऑर्डर करके ये मंगवाया और इसमें फुल किया है मैंने। इसमें अंदर डालने का होता है सॉल्ट भी और यहाँ लिक्विड डलता है, यहाँ डिटर्जेंट। तो वो प्रॉपर उसके कहने से यूज़ करने के बाद भी मैंने ये 3 बार बर्तन धो लिए अलग अलग मोड्स पे, वो सब में वाइट स्पॉट है। ये देखिए एक बर्तन ये है, आप इसको आप कैसे यूज़ करोगे, ये देखिए बिल्कुल बहुत ही गंदा है। ये देखिए आदमी सोचता है भाई चलो आजकल सब वर्किंग है, काम वाली ढंग से काम नहीं करती, साबुन छोड़ती हैं, तो ऑप्शन ऑटोमेटिक में यही था, तो मैं खुश हो गई ये लेके आया था, लेकिन एलजी ने मेरे को निराश करा बहुत। इसके साथ साथ आप इसकी क्वालिटी देखिए, मैं इसको टच करता हूँ जेट को तो ये ऊपर इससे बास्केट से टकराता है। और अब ये देखिए इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, ऑटो है 3.5 घंटे लेता है। इसमें आप ये देखिए लिखा है एक्स्ट्रा ड्राई, ड्राई से भी एक्स्ट्रा ड्राई, इसमें स्टीम का भी है, लेकिन ये सारे ये दिखावे के लिए हैं। इसमें आई थिंक 9 से 10 फंक्शन हैं, लेकिन मेरे को तो इसमें मज़ा नहीं आया। मैंने तो ये सोचो कि मतलब 48,000 रुपये वेस्ट कर दिए। अभी कंपनी को मैंने सवेरे और भी मेल करी, MD को, इनको देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। आज तो फोन आया था जी कल हम आएंगे, अभी देखते हैं अब कल इंजीनियर क्या करते हैं इसका। लेकिन दोस्तों मेरी पर्सनल राय ये है कि मैं तो ये एलजी का डिश वॉशर लेके पछता रहा हूँ, तो मेरी राय में तो आप कोई भी अगर ऐसा कदम उठाए तो सोच समझ के करें।
आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।